घमासान.com के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। मध्यप्रदेश की वर्तमान राजनीतिक हालत के बारे में ये कहा जाना चाहिए कि यहाँ की राजनीति को अब वायरस हो गया है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ये कह दिया कि कोरोना वायरस की बात क्या करते हो, अभी तो मध्यप्रदेश की राजनीति में वायरस हो गया है। बिल्कुल, ये वायरस वो है जो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता हुआ दिख रहा है। ये मामला इसलिए बिगड़ा क्योंकि देश की जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहकर अपने आप को आगे बढ़ाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की बात हम करें तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं होता कि आखिर वो पार्टी चला रहे हैं या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता अब दबे छुए जवान के साथ ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि कांग्रेस हाईकमान आखिर क्यों सक्रिय नहीं होता। जिस तरह से भाजपा का संगठन 24 घंटे काम करता है, उस तरह से कांग्रेस का संगठन क्यों काम नहीं करता। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद मजबूरी में फिर सोनिया गांधी को वो कमान संभालना पड़ी। उसके बाद लगातार हालात बिगड़ते गए। दिल्ली उपचुनाव की बात हो या और कोई बात हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान कुछ खास नहीं कर पाया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के फ्लॉप होने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि अब प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से यस बैंक के मामले में प्रियंका गांधी का पेंटिंग खरीदने का जो मामला सामने आया है, उसके कारण और परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस हाईकमान जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही। यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए और परेशानियां बढ़ेगी। जब मध्यप्रदेश की बात करें तो ज्योति सिंधिया राहुल गांधी के मित्र थे और सोनिया गांधी परिवार के नज़दीक थे, तो उनको भाजपा में जाने से कांग्रेस हाईकमान क्यों नहीं रोक पाया। ये बड़ा सवाल हर उस कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में है जो बरसों से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि आखिर हाईकमान इस तरह के मामले में सजग क्यों नहीं होता, यहाँ तक कि बैठकें भी नहीं होती। जो कांग्रेस हाईकमान के पास एक गिरोह बन गया है, उस गिरोह के नेताओं ने गांधी परिवार को सही जानकारी देना भी उचित नहीं समझा। नहीं तो क्या कारण है कि एक साल से नाराज ज्योति सिंधिया को कांग्रेस हाईकमान मना नहीं पाया। वो क्या कारण थे कि सिंधिया को भाजपा में जाना पड़ा, उन कारणों को लेकर कभी कोई बात हाईकमान ने क्यों नहीं की। हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस गांधी परिवार के बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन याद करिए वो समय जब नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी देश में कांग्रेस की सरकार चली है और उसके अलावा बाकी कांग्रेस अध्यक्षों ने भी संगठन को चलाया है, लेकिन गांधी परिवार आखिर इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है कि जहां उनकी सरकारें हैं उन राज्यों में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तैनाती क्यों नहीं की गई। जिन नेताओं को प्रभारी बना रखा है उन राज्यों की सही रिपोर्ट गांधी परिवार के पास क्यों नहीं पहुंच पाती। क्या कारण है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही हमेशा ऐसे मौकों पर चूक कर जाते हैं। गोवा में सरकार बनाने का मामला हो या कर्नाटक का मामला हो, कहीं भी दाव पेच करने के मामले में गांधी परिवार या हाईकमान क्यों पीछे रह जाता है। ऐसे सारे सवाल कार्यकर्ताओं के मन में हैं जो अब आम जनता तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान को आखिर ये बात कब समझ में आएगी कि जनता में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता को कम किए बिना कांग्रेस को मुख्य रूप से सामने नहीं लाया जा सकता है। आखिर वो क्या कारण है कि कांग्रेस अपने संगठन को ताकत नहीं दे पा रही है। क्या लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अपने आप को दूर कर लिया? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी रोज
कांग्रेस संगठन के बारे में बात नहीं कर पाती? क्या जो तीसरी उम्मीद गांधी परिवार की है वो प्रियंका गांधी भी कांग्रेस को ताकत नहीं दे पा रही है? वैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोकसभा में जब जिम्मेदारी दी थी तो प्रियंका गांधी को भी वहाँ सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन सफलता और असफलता चुनाव में सामान्य बात है। उसके बावजूद चुनाव हारने के बाद संगठन को मजबूत करने, आम कार्यकर्ताओं से मिलने, रूठों को मनाने या संगठन को ताकत देने के लिए कोई और नई प्लानिंग क्यों नहीं कर पाता है हाईकमान? हाईकमान पर अब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो सारे सवालों के जवाब अब उनको देने का समय आ चुका है। यदि ऐसा नहीं होता है तो भाजपा हाईकमान तो मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान और बाकी राज्यों की कांग्रेस सरकार को गिराने की भी बात कर रहा है। क्या कारण है कि कमलनाथ सरकार को मजबूती देने का काम हाईकमान क्यों नहीं कर पाया? वो कौन से कारण है कि कांग्रेस से जो नेता निकल रहे हैं उनको भाजपा के पास या अन्य दलों के पास जाने से कांग्रेस नहीं रोक पाई? ऐसे वो कौन से कारण हैं जिसके कारण गांधी परिवार राजनीतिक कुटिलता, राजनीतिक चातुर्य और राजनीतिक का जो नया स्वरूप है उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है? इस समय देश के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार से अब कांग्रेस को मुक्त हो जाना चाहिए, और नहीं तो ऐसा करना चाहिए कि जो कांग्रेस के युवा हैं उनको कांग्रेस की जवाबदारी सौंप देना चाहिए। यदि सोनिया गांधी बीमार होने के चलते या निजी कारणों से ज़्यादा काम नहीं कर पाती है तो कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी पूरे देश भर में लगातार दौरा क्यों नहीं करते? भाजपा के पास तो भाजपा के पदाधिकारियों के अलावा आरएसएस जैसा एक बड़ा संगठन है जो लगातार काम करता रहता है। अब वक्त आ गया है, कांग्रेस को कार्यकर्ता और जनता की भावना को समझना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस मुक्त देश होने की बात सच साबित होती हुई दिखेगी। इस समय जो सवाल है वो यही है कि कब तक गांधी परिवार सोता रहेगा, कब गांधी परिवार आके सक्रिय होगा? आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।